नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक और शानदार मुकाबला जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, कितने बजे से? सुबह 10:30, मतलब डबल हेडर मुकाबला होगा, दो मैच होंगी वर्ल्ड कप की। ये मुकाबला होगा HPCA स्टेडियम धर्मशाला में, और कह सकते हो धर्मशाला की विकेट एक बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है, तो टॉस का रोल एक बेहद ही शानदार रहने वाले। टॉस के अकॉर्डिंग हम अपना फाइनल टीम डिसाइड करके चलने वाले हैं। अब दोस्तों, टॉस याद आ गया, आफ्टर टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में जो भी बदलाव होंगे, बड़ा छोटा सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना बेहद ही जरूरी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो उसको चले जाना है कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों में से दोस्तों जो भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, किस बात की देरी है, क्यों टाइम लगाना, अभी जाइए 10 सेकंड निकालिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में हम कितनी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, लास्ट मैच, प्लेयर स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, फिर हम देखेंगे यहाँ पे रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड, स्मॉल लीग के साथ साथ हम ग्रैंड लीग लेके भी यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और दोस्तों, एक शानदार सा गिव अवे चल रहा है हमारे पीआर फैमिली के लिए इंटायर वर्ल्ड कप के लिए। क्या है ध्यान से समझिएगा, 50,000 रुपीज का बिल्कुल फ्री गिव अवे है। अब देखिए, सभी मैच में 500, 1,000, 200 करके गिव अवे देना मेरे लिए टफ था, क्योंकि अब उतना यूनिट डिसाइड करना, फिर उनका फोन पे नंबर मांगना, फिर उनको जो है पैसा सेंड करवाना, इसमें बहुत टाइम लग जाते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा गिव अवे एक ही बार सोच लिया कि 25,000 करके मैं दो भाई को दूंगा, जो भी हमारे फैमिली से वो विनर बनेंगे, उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देनी है, उसके बाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेने, और यहां से जो अभी आप वीडियो देख रहे हो एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपके आस पड़ोस जो भी फैंटेसी खेलते हो उनमें से किसी 5 भाई से आपको वीडियो शेयर कर देनी है। देन आफ्टर आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट लिख देना है पीआर को लेके, मतलब आप जो प्रेडिक्शन वजह से जुड़े हो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। अब भाई हम बात करते हैं वेन्यू को लेके, तो यहाँ पे जो है एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा 230 से 240, हाइस्ट टोटल है 330, लोएस्ट है 110, पिच सुटेबल होता है, पेसर्स फ्रेंडली विकेट आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू वीडियो स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, टोटल मैच हुए हैं 5, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 1, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के पास ढेर सारा एज है, 4 दफा जीते हैं। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात कर लेंगे, तो बिलो स्कोर 200 बने हैं 3 दफा, फिर बिटवीन 200 से लेकर 249 बने 1 दफा, 250 से 299 बने 0 दफा, एवं 300 बने हैं सिर्फ 1 दफा। अब भाई हम पिच की मिजाज जानते हैं यहाँ से, रिसेंट मैच जो खेले गए इस वेन्यू के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, जहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने बोर्ड पर लगाए थे 156 रन, बांग्लादेश की टीम लगाई थी 158 रन। जवाब में देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ था, पेसर्स को मिले थे फर्स्ट इनिंग 4 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे 6 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स को मिले 3 विकेट, स्पिनर को मिले थे 1 विकेट नहीं। 10 दिसंबर 2017 को एक मुकाबला हुआ था, वहाँ भी लो स्कोरिंग मैच हुआ था, इंडिया 112 लगाए थे, लंका की टीम 114 लगाई थी, फर्स्ट इनिंग पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स को 2 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स को 3 विकेट, स्पिनर को मिले थे 0 विकेट। 16 अक्टूबर 2016 को एक और मुकाबला हुआ था, जहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम लगाई थी 190 रन, जवाब में इंडिया की टीम आराम से चेस डाउन कर ली थी, फर्स्ट इनिंग पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। अब अगर हम बात कर लेंगे इन तीनों मैच का आंकलन देखते हुए कि पेस वर्सेस स्पिन लास्ट के 3 ओडीआई मैच में क्या हुआ, 25 विकेट मिले हैं यहाँ पे पेसर्स को, 14 विकेट मिले हैं स्पिनर को। अब भाई हम बात करते हैं हेड टू हेड बैटल को लेकर, टोटल हेड टू हेड में आमने सामने आए 24 दफा, 19 दफा इंग्लैंड की टीम, 5 दफा जीती है बांग्लादेश की टीम। अगर हम बात कर लेंगे इंग्लैंड के लास्ट 5 मैच को लेकर, लॉस नो रिजल्ट, विन 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 करके आ रही है। अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर, विन लॉस लॉस नो रिजल्ट, विन करके आ रही है। अब भाई हम बात करते हैं दोनों टीम के वर्ल्ड कप के पहले मुकाबला में क्या हुआ था, तो बांग्लादेश की टीम जो है लास्ट मीन्स पहले मुकाबला वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान के साथ खेल के आ रही है, जहां पे 6 विकेट से विन की थी, तंजीद हसन के थे 5 रन, लीटन दास के थे 13, मेहदी हसन मीरा 57 रन और हमारे कैप्टन थे, और हमने वर्ल्ड कप की जीत यहीं से शुरू की थी दोस्तों। फिर संतो 59 रन, साकिब 14 रन, मुस्तफिकुर रहीम 2 किए थे गेंदबाजी में। उसी मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट तस्कीन अहमद डाले थे 6 ओवर 32 रन 1 विकेट, शरीफुल इस्लाम 6 ओवर 2 गेंद 1 मैदान 34 रन 2 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 7 ओवर 28 रन 1 विकेट, साकिब 8 ओवर 30 रन 3 विकेट, मेहदी हसन मिराज हमारे कैप्टन 9 ओवर 25 रन 3 विकेट, वीसी साकिब थे, महमदुल्ला 1 ओवर 7 रन 0 विकेट। बात करेंगे इंग्लैंड को लेके, इंग्लैंड लास्ट मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ पता नहीं वैसे इतने बुरी तरीके से कैसे हार गई थी, बेरस्टो 33 के थे, मलान 14, रूट 77, हैरी ब्रूक 25, मोइन अली 11, बटलर 43, लिविंगस्टन 20, सैम करन 14 किए थे, क्रिस वोक्स 11 किए थे। अब एक चीज देखिए, मोइन अली गेंदबाजी करेंगे कि नहीं वो आपको यहाँ देखना है, लेफ्टी कितने होंगे, तंजीद हसन 1 लेफ्टी है, फिर संतो 2, फिर आपको दिख जाएंगे साकिब 3, उसके अलावा यहाँ पे नीचे में लेफ्टी नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास 3 लेफ्टी है, तो मोइन अली ठीक ठाक ओवर डाल सकते हैं। इधर देखिएगा वोक्स 6 ओवर 45 रन 0 विकेट, सैम करन 2 6 ओवर 2 मैदान 47 रन 1 विकेट, मार्क
वुड, पांच में 55 रन 0 विकेट, मोइन अली 10 ओवर 60 रन 0 विकेट, आदिल रशीद 7 में 47, लियम लिविंगस्टन 3 ओवर 24 रन 0 विकेट। अब भाई हम बात करते हैं इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। आपको दिख जाएंगे जॉनी बेरेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद और मार्क वुड। आप लोगों में से बहुत सारे भाई का मैसेज आ रहा है कि राजा भाई इस मैच में क्या मोइन अली फिर से बटलर से पहले उतरेंगे। तो देखिए, अगर आप फैंटेसी या फिर क्रिकेट को अच्छे से जानते होंगे तो आपको पता होगा न्यूजीलैंड के पास जो बीच में गेंदबाज थे सेंटेनर प्लस रचिन रविंद्रा, दोनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं। लेफ्ट हैंडर को काउंटर अटैक करने के लिए मोइन अली को ऊपर भेजा गया था। नॉर्मली आपको बटलर के बाद ही दिखेंगे मोइन अली, और लिविंगस्टन से पहले दिख सकते हैं अगर शुरुआती में विकेट जल्दी गिरे तो। फिर आपको यहाँ पे देखिए सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद और मार्क वुड में से गेंदबाजी में देखिएगा 10 ओवर मार्क वुड का, 10 ओवर आदिल रशीद का, 10 ओवर क्रिस वोक्स, 10 ओवर सैम करन और यहाँ पे 7 से लेकर 8 ओवर मोइन अली, 2 से लेकर 3 ओवर लियाम लिविंगस्टन डाल सकते हैं। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर रहे थे। जॉनी बेरेस्टो हेड टू हेड बेहद ही बुरा रिकॉर्ड है, 4 मैच में 125 का एवरेज है, रिसेंटली 33-34-13-0-6 करके आ रहे हैं। डेविड मलान हेड टू हेड 3 मैच में 60 का एवरेज है, 125 रन है, और भाई साहब मुझे लगता है कि कल के मैच में अच्छे कर सकते हैं। जो रूट हेड टू हेड 60 का एवरेज है, 3 मैच में 183 रन है, यहाँ पे देखिएगा उसके अलावा वेन्यू पे 1 मैच में 31 रन है, रिसेंटली 77-26-29-4-0 करके आ रहे हैं। फिर आपको दिख जाएंगे हैरी ब्रुक, पता नहीं भाई साहब इनके साथ दिक्कतें क्या है, आते हैं पहले ही बॉल से बल्ला हिटना शुरू, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाले प्लेयर हैं। 25 किया रिसेंटली, 17-10-2-25, अभी रिसेंटली इन्होंने 100 खेले थे, वहां पर सेंचुरी भी किए हुए थे, उसके बाद इनका सिलेक्शन भी हुआ था। जोस बटलर हेड टू हेड 9 मैच में 49 का बैटिंग एवरेज है, वेन्यू पे 1 मुकाबला खेले, डू नॉट बैट हुआ है, रिसेंटली 43-30-36-38-30 बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग दोनों से पॉइंट देंगे। पहले बल्लेबाजी में ट्राई कीजिएगा, चेसिंग के टाइम में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। लियाम लिविंगस्टन रिसेंटली 20 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 28 रन 0 विकेट, 11 रन 3 विकेट और 95 करके आ रहे हैं। बैटिंग काफी नीचे है, अगर टीम चेस करने जाएंगे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर आपको दिखेंगे मोइन अली हेड टू हेड 8 मैच में 5 विकेट, 88 रन है, रिसेंटली 11 रन 0 विकेट, 56 रन 0 विकेट, 3 रन 4 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 33 रन 2 विकेट लिए हुए हैं। सैम करन हेड टू हेड 2 मैच में 56 रन 6 विकेट है, वैसे 2 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 14 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट, 3 रन 1 विकेट, 42 रन 0 विकेट लिए। क्रिस वोक्स हेड टू हेड 8 मैच में सिर्फ 4 विकेट, उसके अलावा क्रिस वोक्स के सामने फोटो सैम करन का, अरे भाई ऐसे कैसे। फिर यहाँ पे वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 11 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 34 रन 1 विकेट लिया हुआ है। आदिल रशीद हेड टू हेड 7 मैच 19 विकेट, भाई सब ये क्या है, मस्ट पिक वाले प्लेयर आपको दिख रहे हैं, रिसेंटली 15 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। मार्क वुड हेड टू हेड 4 मैच 4 विकेट, रिसेंटली 13 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, और भाई मुझे लगता है कि मार्क वुड जब भी विकेट लेंगे गुच्छे में लेकर जाएंगे, 1-8 विकेट से इनको कुछ होने वाला नहीं है, बैक कीजिएगा, मिनी जीएल में कैप्टन वीसी भी दे सकते हो। स्टार्टिंग और आपको दिखेंगे सैम करन, मार्क वुड और क्रिस वोक्स, डेथ में आपको दिख जाएंगे सैम करन, मार्क वुड और क्रिस वोक्स, बेंच पर दिखेंगे टॉपले को खिलवाना चाहिए यार डेविड विली, फिर आपको दिख जाएंगे जी एक्टिनसन और बेन स्टोक्स, पता नहीं बेन स्टोक्स का फिट होंगे, जब भी फिट होंगे आपको डायरेक्ट प्लेइंग 11 दिख जाएंगे हैरी ब्रुक के जगह पे। अब भाई हम बात करते हैं बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाले हैं। तो आपको दिख जाएंगे तंजीद हसन, मुझे समझ में नहीं आया भाई तंजीद हसन ये गेंदबाजी वाला फोटो क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं, तमीम इकबाल का रिप्लेसमेंट ये है क्या, बोर्ड के अंदर इतने बड़े इशू चल रहे थे, तमीम इकबाल को कहा गया था, वो स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, कि आप नंबर 4 नंबर 5 पे बल्लेबाजी कीजिए, उन्होंने कहा भाई साहब मैं क्यों करूं, मैंने 17 साल के कैरियर में आज तक नंबर 2 नंबर 3 बनेगा, मैं नंबर 4 पे कैसे चले जाऊंगा, तो बोर्ड की नहीं बनी उनके साथ। फिर कहते हैं बोर्ड की ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जो पहला मैच होगा अफगानिस्तान के साथ वो मत खेलिए। अब ये कौन सी लॉजिक हुई, तमीम इकबाल ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो मुझे आप वर्ल्ड कप से हटा दीजिए, तो बोर्ड ने डिसाइड किया वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया उनको। तो अब आप बताइए कि तमीम इकबाल अपने जगह पे सही थे कि गलत थे, और शकीब अल हसन कहाँ चले गए भाई सब, इनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, ये कहते हैं कि रोहित शर्मा को आप देख लीजिए स्टार्टिंग के नंबर 7 से खेलने पे, फिर 6 पे आए, फिर आपको ओपन करते दिख रहे हैं, तो बल्लेबाज को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं किस ऑर्डर पे खेलूंगा, जहां पे टीम डिसाइड करेंगी वहां पे खेलोगे, भाई ये कौन सी लॉजिक वाली बात हुई। अब मान लो शुभम गिल हमारा ओपनर है, उसको आप नंबर 6 पे क्या उतारोगे, नंबर 5 पे क्यों उतारोगे, और सूर्य कुमार यादव फिनिशर है, उसको आप कहे ओपनिंग में लेके आ जाओगे, तो ये मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तमीम इकबाल सही है, बाकी आपका अपना फीडबैक हो सकता है। 1 डाउन दिखेंगे संतो, 2 डाउन आपको दिख जाएंगे लिटन दास, फिर आपको ऐसा भी हो सकता है लिटन दास ओपन करते दिखे, संतो 1 डाउन दिखे, शकीब अल हसन फिर दिखेंगे, मेहदी हसन मिराज आपको दिख सकते हैं ऊपर भी, फिर हृदय आपको दिखेंगे, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम। गेंदबाजी में बात करें
शरीफुल इस्लाम 8 से 10 ओवर, तस्कीन अहमद 8 से 10 ओवर, मुस्तफिजुर रहमान 10 ओवर, ये 8 से 10 नहीं 10-10 ओवर डालेंगे, उसके बाद मिराज 10 ओवर और साकिब 10 ओवर। इनमें से किसी का दिन बुरा हो, सामने लेफ्टीज मुझे कम दिख रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे ऊपर मलान है, नीचे आपको दिख जाएंगे मोइन अली सैम करण, तो वो लोग काफ़ी नीचे हैं, बीच में आप देखोगे तो बटलर रायटी हैं, रूट रायटी हैं, हैरी ब्रुक रायटी हैं, मतलब ममदुल्ला ज़्यादा ओवर नहीं करने वाले हैं। अब भाई हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेकर। तंजीद हसन जो है इस वेन्यू पर 1 मैच खेले हैं, 5 किए हुए हैं रिसेंटली, अभ्यास मैच में तो अच्छा किया लेकिन इंटरनेशनल में इनका 32 गुल है। लिटन दास हेड टू हेड इनका भी बेड़ा गर्क है, 3 मैच 7 रन, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा नहीं है, 13-5-106 नोट बैट। नजमुल हुसैन संतु अच्छे प्लेयर हैं, 3 मैच 34 का इनका बैटिंग एवरेज है हेड टू हेड में, रिसेंटली 59-2-76-104 करके आ रहे हैं, वेन्यू पे 1 मुकाबला खेले 59 वहां भी ठोके इन्होंने। फिर आपको दिखेंगे साकिब अल हसन, इस टीम के सबसे बड़े तुर्क के में से एक, हेड टू हेड 17 मैच 34 का एवरेज, 20 विकेट। पहले गेंदबाजी में आपके लिए कैप्टन बीसी का अच्छे पिक हो जाएंगे, मेहदी हसन मिराज इनको आप बीसी कर सकते हो, हेड टू हेड 4 मैच में 31 रन 7 विकेट। ध्यान से सुनिएगा, आपने साकिब को क्या कैप्टन बीसी दिया मिराज को, अगर इनकी पहले गेंदबाजी आती है तो ये भी लेके जाते हैं 1-2 विकेट, ये भी लेके जाते हैं 1-2 विकेट, प्लस बल्लेबाजी में अगर 25-30 भी कर देते हैं तो आपके अपोनेंट वाले कैप्टन बीसी को कम से कम 60 से 65 करने होंगे, लेकिन तब जब इनकी पहले बॉलिंग आए। टी हृदय को लेकर बात कर लेंगे, रिसेंटली डू नॉट बैट 0-18-4 डू नॉट बैट, बट इनका स्टेट्स से आप कंपेयर इसको मत करना, काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आप मिनी जीएल जीएल में जरूर ट्राई करना, रिस्क देकर इस बॉलिंग में भी लेकर जा सकते हो। फिर आपको दिखेंगे मुशफिकुर रहीम, हेड टू हेड 15 मैच 575 रन, 41 का एवरेज, वेन्यू पे 1 मैच में 2 रन है, रिसेंटली 2-8-35-18-29। ममदुल्ला को लेकर बात कर लेंगे, हेड टू हेड 16 मैच में 2 विकेट लिए हैं, 465 रन है, वेन्यू पे 1 मैच 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 18 रन 0 विकेट, डू नॉट बैट 21 रन 0 विकेट 49। मुस्तफिजुर रहमान हेड टू हेड वैसा इनका जो रिसेंट फॉर्म है 2-3-4 मैच का छोड़ दोगे, उससे पहले लगातार फ्लॉप गए थे और आप उम्मीद कर लो इतना फ्लॉप कि मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था भाई आप सब वैसा आप बेंच पे बैठिए, आपसे जो है फील्ड पे तो कुछ होने जा रहा है, फिर इनको बैक किया, रिसेंटली 2-3 मैच अच्छे फॉर्म में है, हेड टू हेड 5 मैच में 2 विकेट, वेन्यू 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, इससे पहले इनका बेड़ा गर्क वाला परफॉर्मेंस चल रहा था। फिर तस्कीन अहमद रिसेंटली तो वैसे स्टार प्लेयर हैं, 6 मैच में 9 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 12 रन 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट इनको मिला है। शरीफुल इस्लाम वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट मिला है। अब स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, आपको दिखेंगे तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, डेथ में आपको दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम, बेंच पे आपको दिखेंगे तंजीम हसन सकीब, मेहदी हसन, नसून अहमद और आपको दिख जाएंगे हसन महमूद, अगर इनमें से कोई खेलते हैं आपके सामने स्टेट्स होगा लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्लेयर बैटल को लेकर, ध्यान रखिएगा डेविड मिलन को लेकर बात कर लेंगे, तस्कीन अहमद के 51 बॉल खेले हैं, 41 रन किए हैं, 2 दफा आउट हुए हैं। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहां पे साकिब के सामने 47 बॉल खेले हैं, 51 रन किए हैं, 2 दफा इनके सामने भी आउट हुए हैं। बटलर का देखोगे साकिब के सामने स्ट्रगल किए हैं, 116 बॉल खेले हैं, 126 रन किए हैं, 2 दफा आउट हुए हैं। तस्कीन का 70 बॉल रन तो कूट के बनाते हैं लेकिन विकेट भी खेलते हैं, 105 रन 3 दफा आउट हुए हैं। मोइन अली को लेकर बात कर लेंगे, तस्कीन अहमद का 10 बॉल खेले हैं, 10 रन 1 विकेट और मेहदी सर मिराज का 29 बॉल 30 रन 2 विकेट। बाकी कौन किसके सामने स्ट्रगल करते हैं वो भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। अब दोस्तों हम बांग्लादेश को लेकर बात करते हैं, लिटन दास मोइन अली के सामने काफी स्ट्रगल करते हैं, 7 बॉल 10 रन 1 विकेट और सैम करन का 23 बॉल 16 रन 3 विकेट। नया बॉल से आएंगे सैम करन, लिटन को लेकर जाएंगे साकिब। मोइन अली का 90 बॉल 91 रन 4 दफा आउट हुए, आदिल रशीद का 65 बॉल 72 रन 1 दफा आउट हुए, मेहदी हसन मिराज आदिल रशीद का 20 बॉल खेले 16 रन 1 विकेट। बाकी यहां भी आपको मैं दिखा दिया हूं कौन किसके सामने किस तरीके का गेंदबाज के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो लिटन दास, संतो, मिराज, सकीब का आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब दोस्तों ये हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हमारा टीम है बस एक डेमो टीम होगा, फाइनल डे के बाद आपको बंचेज ऑफ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, टॉस का बेहतरीन इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, टॉस के बाद जो भी चेंज होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैंने जोनी बेरेस्टो साहब को लिए हैं विकेट के पीछे से, मैंने लिए हैं जो रूट को, फिर बैटिंग से संतो, डेविड मलन हमारे टीम में होंगे, ऑलराउंडर से मैंने लिए साकिब अल हसन को, मोइन अली को, सैम करन को, उसके बाद हमारी टीम में होंगे मेहदी हसन मिराज। बॉलिंग से बात कर लेंगे, वोक्स, तस्कीन अहमद, मार्कुट हमारी टीम में है। अभी के लिए तो मैंने कैप्टन दिए जो रूट को, वीसी दिए बेरेस्टो को, लेकिन टॉस के अनुकूल मैं यहाँ पे कैप्टन वीसी डेविड मलन को दे सकता हूँ, साकिब अल हसन को दे सकता हूँ, उसके अलावा सैम करन को दे सकता हूँ और मिराज साहब को दे सकता हूँ। मतलब मिनी जीएल जीएल में आपको मैं 5 कैप्टन बीसी का नाम बताऊंगा, उसमें ये 4 प्लस ये दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर लेना। उसके अलावा लेफ्टी 3 हैं, इसमें कोई दर नहीं है, तंजीम हसन है, उसके अलावा यहाँ पे सामने आपको साकिब दिख जाएंगे, संतो दिख जाएंगे, लेफ्टी के सामने हो सकता है मोइन अली अच्छा खासा स्पेल डाले और विकेट लेके चला भी जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।